आप देख रहे हैं बिजनेस टाइकून आदित्य, शेयर मार्केट, बिजनेस आइडियाज, आईपीओ रिव्यू, म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंस और भी एजुकेशनल वीडियोज। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले आप ही देख सकें मेरा वीडियो। वेलकम टू बिजनेस टाइकून। बिजनेस टाइकून आदित्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आदित्य बंसल। आज मैं लाया हूं आपके लिए एक ऐसी वीडियो जो आपकी लिए बहुत जानकार, ऐसी जानकारी जो आपके लिए बहुत फ़ायदे का सौदा साबित होगी और आप इससे बहुत फ़ायदा कमा सकते हैं। अपना कमाया हुआ फ़ायदे, जो भी आपने फ़ायदा किया है, जो भी प्रॉफिट किया है, उस पर आपको टैक्स किस हिसाब से देना है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने फ़ायदे को कैसे और अपने लॉस को कैसे फ़ायदे में बदलना है, एक स्मार्ट ट्रेडर कैसे बनना है आज मैं बताऊंगा आपको। उससे पहले ये मेरा इंट्रो है। मैं मार्केटिंग पार्टनर हूँ जरुदा का और बिजनेस पार्टनर भी हूँ जरुदा का और फॉर्मल फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ IIFL का। अगर किसी को जरुदा में अकाउंट ओपन कराना है तो ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। और बहुत अच्छा डिस्काउंट ब्रोकर है। कोई नया शेयर मार्केट में अगर आना चाहता है और पैसा कमाना चाहता है तो आप ज़रूर आइए, आपका वेलकम है। आपको अगर डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो मेरे थ्रू कराइए, इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और मेरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ क्या बेनिफिट है। व्हाट्सएप ग्रुप, ये आपको सारे बेनिफिट हैं। ये आपको 5 फ़ायदे दिए जाएंगे। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस किस आधार पर किया जाता है, कैसे स्टॉक चुनना है, क्या करना है, ये आपको सब बताऊंगा मैं। दूसरा, अपना व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आपको पेनी स्टॉक, मल्टीबैगर स्टॉक और भी कई तरह के बिजनेस आइडियाज़ और भी कमाई के सही कई साधन बताए जाते हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड करूंगा। और तीसरा है अपना अकाउंट ओपन के बाद कैसे काम करना है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, कैसे मोबाइल में ट्रेडिंग करते हैं, कैसे लैपटॉप में करते हैं, किस हिसाब से आप अच्छा काम कर सकते हैं, कैसे आप काम करोगे, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। मेरा एक परमानेंट नंबर आपको दिया जाएगा जिससे आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। उसमें कैसे टेक्निकल होते हैं, क्या क्या इंडिकेटर होते हैं, सब मैं बताऊंगा आपको। चौथा है आपको फाइनेंशियल प्लानिंग, आपकी जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग होगी उसमें आपको हेल्प करूँगा। और पाँचवा, आप मेरे पेड वीडियो जो मैं आगे बताऊंगा डालूंगा उसको आप फ्री में देख सकते हैं। और आपने, जिसने मेरे पहले वीडियो नहीं देखे हैं, उसमें मैंने कई बताया हुआ है, बिटकॉइन भी तेज़ी से बढ़ रहा है, एक कमाई वाला ऐप्स बताया हुआ है और मैंने कुछ बुक सजेस्ट की हैं, वो बुक पढ़ के आप बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन और बहुत बेहतर तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं। उन बुक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और अगर आपको मेरे थ्रू अकाउंट ओपन कराना है तो नीचे दी गई लिंक पर जाके ही अकाउंट ओपन होगा। आप डायरेक्ट जाके अगर अकाउंट साइट पर जाके अकाउंट ओपन कराते हैं तो मेरे नीचे नहीं आएगा, मेरे द्वारा नहीं होगा, मेरा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, कई लोगों ने किया हुआ है, डायरेक्ट साइट पर जाके उन्होंने ओपन हो गया। एक दो लोगों का मेरे पास हुआ है ऐसा, उन्होंने बाद में मुझसे बोलते हैं कि मेरा बेनिफिट दीजिए, बट मेरे द्वारा नहीं हुआ। इसीलिए आप नीचे लिंक पर जाएंगे, वहाँ साइन अप करेंगे और उसके बाद या कॉल मी ऑप्शन यूज करेंगे या उसमें पूरा भर के आप पेमेंट कर देंगे तो ही मेरे द्वारा उस पर अकाउंट ओपन होगा। आप अगर साइन अप करते हैं उसमें, उधर से जरुदा वाला ब्रोकर आपको कॉल कर देगा और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा और आपको फॉर्म सेंड कर देगा। फॉर्म को आप फिलअप करना है
और आपको साइन वगैरह करके जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं उसको लगा के सेंड कर देना है, तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज मैं बताऊंगा आपको एक बहुत पते की बात है जो कई लोगों को पता होगा और कई लोगों को नहीं मालूम, और जिन लोगों को नहीं मालूम हो सकता है बहुत लोगों को मालूम भी हो या नहीं भी मालूम हो, मैं आपको बता देता हूँ जितना मेरी नॉलेज है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। और बाकी नहीं समझ में आए तो अपने टैक्स एडवाइज़र, अपने सीए, उससे कांटेक्ट करिए, उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी निकालिए। दोस्तों बहुत से लोग शेयर मार्केट में आ जाते हैं और काम स्टार्ट कर देते हैं और प्रॉफिट भी कमा लेते हैं। पहला है दोस्तों, एक साल के बाद इनकम टैक्स फ्री होती है, बहुत लोगों को नहीं पता। अगर किसी को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं, कोई शेयर लेते हैं, अगर आपने SBI का शेयर ले लिया और आपने उसको एक साल तक होल्ड किया, एक साल के बाद बेचा यानी 365 दिन के बाद बेचा, और आपने उसमें 50,000 का प्रॉफिट कर लिया, तो वो आपके 50,000 की इनकम टैक्स फ्री होगी। उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना, नहीं किसी प्रकार का आपको, आप उसके इनकम के टैक्स देने के हकदार होंगे। हो सके तो आप अपने स्टॉक को एक साल के बाद ही बेचें, जिससे आप इस तरह की टैक्स फ्री इनकम को पा सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड भी टैक्स फ्री होते हैं अगर एक साल के बाद अगर बेचें। और दूसरा है अपना, 1 से 364 दिन के बाद, 364 दिन तक बेचेंगे यानी एक दिन के बाद या 364 दिन के पहले, तो आपको आपके टैक्स ब्रैकेट के अनुसार 15% टैक्स देना पड़ेगा। आप जो भी इनकम टैक्स भरते हैं, अगर आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ तो आपको 15% उसका देना पड़ेगा, जो आप टैक्स के ब्रैकेट में आते हैं। और इसका ये भी बेनिफिट है दोस्तों, 15% का इसमें ये भी है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी कमाई का सोर्स ओनली ये मार्केट है, अगर आपका कमाई का सोर्स यही है कि आपने शेयर मार्केट का ही आप कमाई करते हैं, उससे आपको 2 लाख रुपए आपने कमा लिए और क्या कहते हैं उसमें आपने 1 से 364 दिन तक टैक्स, 365 दिन के बाद बेचा आपने उसको, तो आपको उसमें 15% टैक्स नहीं देना। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है और आपकी कमाई का सोर्स ओनली यही है और आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, जिसको नहीं पता उसको मैं बता रहा हूँ। बाकी आप हर साल ITR रिटर्न फाइल करिए, जिससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता रहता है। तीसरा अपना टॉपिक है, लॉस प्लस प्रॉफिट बराबर इक्वल टू प्रॉफिट नो टैक्स। इसका कई लोगों को मतलब समझ नहीं आया होगा, और जिसको आ गया वो तो बहुत समझदार है, जिसको इसके बारे में पता है, और नहीं पता वो उसको बताता हूँ। ये बहुत मेन टॉपिक है, अगर आपने शेयर मार्केट में स्टार्टिंग की और आपको लॉस हुआ, आपको शुरू शुरू में 2 लाख रुपए का लॉस हो गया या 3 लाख रुपए का लॉस हो गया, अब आप सोचेंगे लॉस तो हो गया, पर आपने उसके बाद ऐसा फंडा या ऐसी आपकी किस्मत या आपको ऐसा स्टॉक चेंज करना आ गया कि अगले साल आपको 3 लाख रुपए का लॉस हुआ था, 3 लाख का ही प्रॉफिट हो गया, तो आप टैक्स के दायरे में तो आ गए क्योंकि आप टैक्स देते हैं। बट उसके अगले 8 साल तक आपको जो भी टैक्स बनता है वो नहीं देना। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, अगर आपको 3 लाख का लॉस होता है, उसके अगले 8 साल तक के अंदर आपको 3 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, तो लॉस, 3 लाख का लॉस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू ज़ीरो, तो आपका 3 लाख का लॉस और 3 लाख का प्रॉफिट कट जाएगा, मतलब बराबर हो जाएगा।
और आपका जीरो प्रॉफिट होगा और आपको जीरो पे टैक्स देना होगा, मतलब कोई टैक्स नहीं देना होगा। और उसके ऊपर अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उसी पे टैक्स लगेगा। अगर आपने 3 लाख का लॉस उठा लिया और आपको अगले साल या 2 साल बाद 3 साल बाद 5 लाख का प्रॉफिट होता है तो उस पर 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 लाख, उसी पे आपको टैक्स देना है। 3 लाख का आपकी इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये कई लोगों को पता नहीं होती और बहुत लोगों को पता हो तो इसका फ़ायदा उठाते हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं आप स्मार्ट ट्रेडर बनिए। कई लोग प्रॉफिट कर लेते हैं, लॉस भी कर लेते हैं, इसीलिए आप अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे संपर्क करिए, उस बारे में आप पूछिए और आप अपने पैसे बचाइए। उसका अगले साल दर साल उसका हिसाब, हर साल टैक्स देना होता है, उसका साल दर साल इसका कैलकुलेट होता है। अगर आपका कैलकुलेट नील होता है, लॉस प्लस प्रॉफिट बराबर नील होता है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। लॉस प्लस प्रॉफिट बराबर प्लस में होता है, जितने आपका प्लस जाएगा उसी पे आपको प्रॉफिट है और टैक्स देना है। ये जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरा वीडियो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नीचे दी हुई लिंक जो बुक्स की मैंने बताई हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। और किसी को ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है तो नीचे लिंक दे रहा हूँ मैं, उसमें आप जाइए साइनअप करिए, उधर से ब्रोकर कॉल करेगा, आप अपने आप ही ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा लेना। थैंक यू।